मंत्री पद में रहूं या नहीं रहूं, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। मंत्री पद छोड़ने की पेशकश भी कर दी थी। मातृभाषा से बड़ी कुछ है क्या? और माँ भारती से बड़ा कोई है? माँ भारती से बड़ी तो पार्टी भी नहीं है। यदि माटी और पार्टी को चुनना होगा तो हम माटी को चुनेंगे, पार्टी को नहीं चुनेंगे। लेकिन माँ भारती के सवाल पर, राष्ट्रभाषा के सवाल पर मैं कभी नहीं पीछे हटे। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था, मैंने पहले भी, इसके पूर्व में भी एक बार, आपको नई जानकारी होगी पता कीजिएगा, कि मैंने मंत्री पद छोड़ने की पेशकश भी कर दी थी बहुत पहले। ठीक है, मंत्री पद में रहूं या नहीं रहूं, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस मूल्यों के साथ मैं हूँ, जिस नीति और नैतिकता के साथ मैं हूँ, वो बड़ी चीज़ है। वो मैं आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। चाहे वो माँ भारती का सवाल हो, चाहे हमारी मातृभाषा हिंदी का सवाल हो, भोजपुरी का सवाल हो, क्षेत्रीय भाषाओं का सवाल हो, चाहे वो 27% आरक्षण का सवाल हो, चाहे वो हमारे गैर आदिवासियों की सुरक्षा अधिकार और उनको जीवन जीने के लिए उनके अधिकारों के साथ झारखंड में रहने का सवाल हो, हर सवाल में बन्ना गुप्ता मजबूती से खड़ा था, मजबूती से खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। इसके लिए चाहे कितनी बार भी मुझे किसी भी मंत्री पद से रखा जाए, हटाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो निर्णय स्वागत के लिए होगा। पार्टी ने यदि मुझे हटाने का आदेश करेगी तो मैं एक पल भी देर नहीं करूंगा और पार्टी के आदेश का सम्मान करूंगा। लेकिन आपकी बातें तो भोजपुरी बोलते हैं, आप बोलते हैं, मगही बोलते हैं, पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है, ना ही सरकार, वो तो अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है, फिर भी आप बोलते रहते हैं। अरे भाई, मातृभाषा से बड़ी कुछ है क्या? और माँ भारती से बड़ा कोई है? माँ भारती से बड़ी तो पार्टी भी नहीं है। यदि माटी और पार्टी को चुनना होगा तो हम माटी को चुनेंगे, पार्टी को नहीं चुनेंगे। लेकिन माँ भारती के सवाल पर, राष्ट्रभाषा के सवाल पर मैं कभी नहीं पीछे हटूंगा। 27% OBC आरक्षण के सवाल पर, गैर आदिवासियों के मान सम्मान और उसके सुरक्षा पर, इन सवालों पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये कभी किसी ने कहा? मैंने तो हर बार इस बात को मजबूती से कहा है। आप बाकी विधायकों पर भी पार्टी कार्रवाई करने जा रही है? नहीं, पार्टी के जो मान्य विधायकों पर जो कार्रवाई हुआ, निलंबित किया गया, ये तो ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्राथमिकी वगैरह हुई है, इसको थोड़ा जल्दबाजी में किया गया है। मैं समझता हूँ कि पार्टी को और थोड़ी गंभीरता पूर्वक, चूंकि पार्टी हमारी गार्जियन है और यदि बच्चा गलती करता है तो माँ बाप का धर्म और फर्ज है कि उसको समझाना है, डांटना है, और जब बच्चा एकदम उदंड हो जाए तो उस पर कार्रवाई भी करनी है। लेकिन तो अभी जो है नहीं, मैं ये कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, जो आपने देखा वो मैंने देखा, लेकिन इसकी गंभीरता पूर्वक जांच भी होनी चाहिए। और पार्टी, चूंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र चलता है, नीति और नैतिकता से, तो उनको बैठाना चाहिए, समझाना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए और निलंबित किया ये भी ठीक है। और भविष्य में यदि पार्टी और कड़ा कदम उठाएगी तो भी ठीक है, लेकिन पार्टी के साथ दगा नहीं करना चाहिए, ये मैं सहमत हूँ। आपको कोई ऑफर मिला था? आपको कोई ऑफर मिला था कि अभी तक? देखिए, उतना बड़ा कोई खरीदार नहीं है जो बन्ना गुप्ता को खरीद ले। हम जमीन, अपनी जमीन बेच सकते हैं, जमीन नहीं बेच सकते। और लोकतंत्र में कोई माई का लाल किसी को बांध के भी नहीं रख सकता, लेकिन विचारों और असूलों के साथ। इसलिए हम लोग जो है बाप दादा की जमीन बेच देंगे, लेकिन जमीन नहीं बेचेंगे। इसलिए रुपया दे के कोई खरीद नहीं सकता कोई माई का लाल। इस बीच कुमार जयमंगल की एक तस्वीर आसाम के सीएम ने दी है, जिसमें वो आसाम के सीएम के साथ मुलाकात है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कुमार जयमंगल। अब देखिए, इस विषय में तो ये दिस इज मैटर ऑफ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सो हाउ कैन आई एक्सप्लेन दी ऑल थिंग्स, एंड आई एम नॉट अ ऑथराइज्ड पर्सन टू से दिस थिंग्स। So you will be asked the whole entire information, our party president, our CLP and our Prabhari. So मैं इस पर जवाब देने के लिए सक्षम नहीं। हम तो जयत के दोनों हमारा कोई फोटो वोटो है तो निकाल कर दीजिए।